ओ भाई, ओ भाई रिम पे लेके जा रहे इसको यार। भाई भगवान आपको 100 साल की उम्र दे, 100 से नीचे पर ऐसा की इज्जत चाहिए यार। तुम्हारा भाई हिमाचल में तो भाई रुकता ही नहीं है, देख रहे हो। तो सरप्राइज आने वाला है कुछ। आप सब लोग यार राजा डीसी भाई को तो जानते ही होंगे। So, hey guys, what's up and welcome back to my YouTube channel. तो कैसी है मेरी YouTube family? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो भाई लोग यार आज का सीन कुछ ऐसा है, आज हम जा रहे हैं शिमला। और भाई इतने दिनों से व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे, मैं आगे बताता हूँ। अभी यार टाइम बहुत हो गया भाई, निकलते यहाँ से मैं और एडी भाई जा रहे हैं भाई शिमला में, कुछ काम है। और वो काम क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। बाबू राव का हेलमेट कहाँ से किया चोरी है? ये कितना है? चार। भाई मजाक कर रहे थे यार, अभी चलते गए फटाफट से यार। और अभी तेल भी नहीं यार, एक ही डंडा है, फटाफट से निकलते हैं यहाँ से यार। तो गाइस अभी यार जीरकपुर से निकल गए हुए हैं भाई, हम इसलिए जा रहे हैं यार शिमला क्योंकि यार सैम भाई, आपने पिछले वाले व्लॉग में देखा होगा, सैम भाई जो है अपने किन्नौर से, उनका बर्थडे है। तो यार भैया ने बोला भाई कि आ जाओ यार शिमला, यार कुछ कुछ ही खास दोस्त है अब तो भाई जाना तो बनता है। और मेरे को कुछ बाइक का काम भी कराना है सोलन में, मतलब यार पता नहीं क्या हो रहा है ना इसमें, मैं जैसे ही 100 से ऊपर इसको ले जा रहा हूँ ना बाइक को, तो ये ना बबल कर रही है, मतलब बाइक पता नहीं क्या बेरिंग बुरिंग का सीन है शायद कुछ, मतलब इसके जो बेरिंग्स होते हैं ना टायर वाले वो कुछ मतलब शायद हो सकता है कि ख़राब हो, तो वो भी चेक कराएंगे। बाकी गाइस यार इतने दिनों के बाद मतलब हिमाचल वापस जा रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है भाई, काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, क्योंकि गाइस मतलब यहाँ पे रह के ना मतलब ऐसी वाइब नहीं आती है जैसी हिमाचल में आती है। तो भाई अभी हम एंटर हो गए हैं चंडीगढ़, वेलकम टू चंडीगढ़। तो भाई आप पुलिस वाले पकड़ सकते हैं, इतने दिनों से व्लॉग इस वजह से नहीं आ रहे थे यार, मैं ना बहुत ज़्यादा बीमार हो गया हुआ था, गाना भी अपना मतलब थोड़ा बहुत छूट गया हुआ है, अब उसको वापसी आके करेंगे मतलब जब मैं शिमला से वापस आऊँगा। हट जाओ भैया जी, देख रहे हो भाई तुम्हारा भाई कैसे निकल रहा है। चंडीगढ़ में मतलब लाइटें और शिमला का जाम भाई, बहुत तगड़ा लगता है भाई कसम, बहुत ज़्यादा परेशान है शिमला में इसी चीज़ से परेशान है कि भाई जाम लगता है, और यहाँ पे तो भाई लाइटों ने दुखी करके रखा है यार। गाइस अभी हम पहुँच गए हैं कालका पिंजौर हाईवे पे, अब यार यहाँ पे थोड़ी फाइटरी मारते भाई। भाई इस बाइक को ना मैं यार अगर 100 भी ले जाऊँ ना तो एक मतलब बबल कर रहा है इसका हैंडल यार बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं पता भाई क्या दिक्कत है, अब इसको सोलन में जाके दिखाना पड़ेगा यार। देखो बबल कर रहा है, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो ये देखो कितना शेक कर रहा है भाई, दिक्कत है इसमें यार कुछ, देखो भाई बहुत ज़्यादा बबल कर रहा है, बहुत ज़्यादा यार, मतलब हैंडल ऐसे से शेक कर रहा है। ओ भाई कहाँ से निकले यार। तो गैस अभी हम पहुँच गए हैं टोल प्लाजा, कैसे क्या नहीं बाइक का कहाँ कटता है टोल? तो गैस अभी यार एडी भाई बोल रहे थे कि यार बाइक का टोल कटता है, यार बाइक का कोई टोल नहीं कटता, जहाँ मर्जी चले जाओ। तो मैं मूसा पिंड भी गया था, मेरे को लगता था पहले कि टोल कटता होगा, बट कुछ टोल वगैरह नहीं कटता। तो अभी यार बस इसको क्रॉस करते हैं और मिलते हैं आपको आगे सीधा हाईवे पे। तो गाइस अभी हम आ गए पेट्रोल पंप, अब यार यहाँ से तेल भराते, देख रहे हो भाई बिल्कुल खत्म हो गया भाई तेल यार, देख रहे हो पहाड़ दिखने स्टार्ट हो गए भाई, अब मजा आएगा, मतलब यार टायर भी नहीं डाल दिए हुए, गोप्रो भी ले दिया हुआ है, और अब हिमाचल वापसी जा रहा हूँ, तो भाई मजा आएगा आज फुल पावर ही, मतलब जो लीन होने वाले हैं ना गाइस फुल पावर मजा आने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइस जिस सरप्राइज की मैं आपको बात करा था ना, मतलब सरप्राइज आने वाला है कुछ, आप सब लोग यार राजा डीसी भाई को तो जानते ही होंगे, मतलब गाइस यार राजा डीसी की जो मतलब रानी डीसी है ना उनसे मेरी बातचीत हुई, मतलब यार वो बहुत अच्छे है, मतलब दीदी यार बहुत ही नाइस है यार, बहुत ही नाइस। अगर दी आप भी ये वीडियो देख रहे हो तो यार दी कसम से यार, मतलब फर्स्ट टाइम किसी लड़की से बात करके इतना अच्छा लगा यार कसम से। तो गाइस दी ने मेरे को प्रॉमिस करा है कि मैं आपको राजा डीसी से मिलवाऊंगी, मतलब यार इतना खुश हूँ ना मैं बता नहीं सकता भाई, राजा भाई का मैं ना भाई बहुत बड़ा फ़ैन हूँ यार, अब देखते भाई मिल पाते नहीं मिल पाते। राजा डीसी भाई के लिए कमेंट कर दो यार नीचे, आप फटाफट से कमेंट कर दो राजा भाई के लिए और पारुल दी के लिए। भाई मज़ा आ रहा है यार इतने टाइम के बाद इन पहाड़ों को देख के, भाई ये आ गया हमारे हिमाचल का गेट, हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है, वेलकम टू हिमाचल प्रदेश गाइस। गाइस अब लीन आने वाला है भाई, देख रहे हो, ओ भाई 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 इतने टाइम के बाद यार लीन मार के क्या मजा आ रहा है भाई। ओ
यार ये स्पीड ब्रेकर बहुत परेशान करते हैं भाई कसम से यार। अगर किसी और बंदे को भी यहाँ पे दिक्कत आई है तो भाई कमेंट जरूर करना। तो मजा लीन करके आ रहा है ना गाइस कसम से यार। तुम्हारा भाई हिमाचल में तो भाई रुकता ही नहीं है, देख रहे हो भाई कहाँ कहाँ से निकल रही है भाई यार, देख रहे हो गाइस। अभी हम पहुंच गए हैं चक्की मोड़ भाई, हालत देखो यहाँ पे क्या हुआ है। आपको पता है यार जब बारिश का टाइम था तो यहाँ पे पूरी रोड जो है बंद हो गई थी क्योंकि ऊपर से सारा मलबा नीचे आ गया हुआ था। और भाई अभी भी रोड की कंडीशन जो है मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब है, देख रहे हो भाई। ओ भाई भाई कहाँ से निकला यार। तो गैस अभी हम पहुंच गए हैं कुमार हट्टी फ्लाईओवर के ऊपर है भाई अभी, और ठंड लग गई है भाई बुरी तरह ना। मतलब मैं सिंगल शर्ट पहन के आया था तो भाई अभी जैकेट वगैरह पहनते हैं, टांग में ना बहुत ज्यादा दर्द हो रही है इसलिए अभी थोड़ा रुकते हैं यहाँ पे। गैस अभी हम एंटर कर चुके हैं सोलन भाई खड्डा खड्डा। तो भाई अभी एंटर कर चुके हैं सोलन और अभी यार शोरूम जाना है, थोड़ा बाइक को दिखाना है यार कि क्या दिक्कत आ रही है बाइक में, क्यों बबल हो रही है। और इसका ना एक फुटरेस्ट भी तोड़ दिया था मेरे एक फ्रेंड ने यार, अभी वो भी चेक कराएंगे, मतलब उसको भी नया डलवा देंगे फुटरेस्ट भी, और वॉशिंग वगैरह भी करनी है। तब मैं चंडीगढ़ गया था उस टाइम पे यार बाइक की वॉशिंग नहीं हो पाई थी क्योंकि रात बहुत होगी हुई थी। अभी वॉशिंग भी कराएंगे यार, उसके बाद आपको पता है मज़ा आएगा बाइक चलाने में। तो बाहर बाहर से निकलेंगे यार, सिटी में अंदर ही जाएंगे क्योंकि अगर अंदर चले गए तो भाई जाम लगता है आपको पता ही है भाई। ये रहा प्यारा सोलन भाई, सोलन में मतलब इतनी यादें जुड़ी है ना भाई सोलन से, बहुत ज़्यादा यादें। और सोलन के जितने बंदे भाई हमेशा सपोर्ट दिखाया भाई, सोलन ना मतलब यार बहुत पसंद है भाई मेरे को बहुत ज़्यादा। और मतलब सोलन इसलिए भी बेस्ट है क्योंकि चंडीगढ़ के भी नज़दीक है, शिमला के भी नज़दीक है, और भाई यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है, बहुत बेस्ट है भाई सोलन। तो गाइस अभी हम पहुँच गए हैं KTM सोलन, अब यहाँ पे यार बाइक का थोड़ा बहुत काम जो है वो करवाते हैं फटाफट से। तो गाइस अभी अपने बाइक का काम जो है वो हो गया हुआ है और अब इसमें वॉशिंग हो रही है भाई, देख रहे हो क्या लग रही है भाई बाइक, यहाँ से दिखाता हूँ आपको थोड़ा, ये देख रहे हो भाई क्या चमक रही है यार, मतलब एक नंबर लग रही है गाइस इस कलर में ना, मतलब खुद देख रहे हो यहाँ पे सारी बाइक है ना ऑरेंज ही ऑरेंज है, देख रहे हो इसमें भी भाई ने थोड़ी स्टिकरिंग करवाई हुई है। बट गाइस जो अपनी बाइक है ना यार इसके बराबर नहीं है गाइस, क्या प्यारी लगती है यार देख रहे हो, मतलब एक नंबर यार भाई, ये लुक चेक करो भाई कितनी प्यारी लग रही है यार। तो गाइस अभी अपने बाइक का काम जो है वो हो गया हुआ है, रिफ्लेक्टर भी नया डाल दिया हुआ है, अब यार फुटरेस्ट रहता है ये यहाँ नीचे डलाएंगे, और चेन ल्यू वगैरह जो होगी वे स्पॉकेट इसका ख़राब था भाई, उसी वजह से जो बाइक है बबल कर रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब हो गया सारा काम टोटल। हम ना यार बीमार हो गए थोड़े बहुत, सर्दी गर्मी होगी ना, मतलब गर्म इलाके से हम ठंडे इलाके में आ गए हुए भाई, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है यार और बीमार हो रहा हूँ भाई मैं तो यार, मतलब ठीक हो गया था चंडीगढ़ में यार अब और ज़्यादा बीमार हो जाऊंगा भाई। हम पहुंचे हैं भाई चंबा घाट, देख रहे हो भाई हुक्का हुक्का लेके चले फुल पावर, सही है भाई जी सही है भाई, अलग ही स्वैग होता है इन हरियाणा वालों का भी यार, सिस्टम गाइस हुक्का लेके चला बंदा और बंदे ने ना स्माइल ही कर दी यार। अभी हम पहुंच गए हैं कंडा घाट से थोड़े ऊपर ऊपर, अभी यार मैगी खाने रुके हुए यहाँ पे भाई, हालत ख़राब हो गए हुए थे और अभी दवाई वगैरह खाएंगे भाई, ठंड से ना हालत ख़राब हो गया भाई, इतनी ठंड लग रही है ना कसम से यार, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई हुई है भाई हिमाचल में। टेस्टी है यार, देख रहे हो रिएक्शन देख रहे हो, कलर क्या ये, नहीं नहीं भाई जी पहले से ये नई वाली RC है ये, ऑरेंज ऑरेंज कलर में आती है, इसमें पेंट टकरा हुआ है, पेंट चेंज हो गया हुआ, नहीं नहीं और इनका कोई चक्कर नहीं पड़ता, ऑरेंज बहुत हो गया ना। कैसे यार अपने बाइक की ना ठीक तारीफ कर रहे थे बंदे की भाई कलर अच्छा है वो सो, मतलब कहाँ से करवाया हुआ है पूछ रहे थे भाई, बाकी ये अपनी बाइक यार बनी इतनी प्यारी है गाइस, अपनी गलते भाई ठंड बहुत लगी हुई है यार, अभी यार दवाई वगैरह जो है खा ली हुई है, अब देखते हैं यार ठीक होते हैं इससे कुछ या नहीं होते भाई, मेरे को तो बहुत ज़्यादा बुखार आ गया भाई बहुत ज़्यादा यार, अब यार पता नहीं क्या होगा भाई आगे, बहुत हालत ख़राब हो रही है गाइस। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं शिमला और भाई मेरे ना हालत ख़राब हो गए यार कसम से भाई, बहुत बुरे हाल हो गए हुए बुखार से यार, मतलब इतनी ठंड है ना यार, मतलब क्या बोलूँ भाई हालत ख़राब हो गई यार मेरे, बहुत ज़्यादा ठंड है गाइस, इतनी ठंड ऊपर से टांग में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, और आज मैंने इतने दिनों के बाद पैंट पहनी है देख रहे हो भाई, हालत ख़राब हो रही है, जैसे पैंट पहनी है ना तो इसमें जैसे मैं फोल्ड कर रहा हूँ टांग को, टांग में ना अंदर को जोर पड़ रहा है उससे और ज़्यादा दर्द हो रही है यार भाई, सोचा नहीं था कि ऐसे हालत होंगे शिमला जाके यार, हमने सोचा था कि इतनी ठंड कहाँ ही होगी, हम एक एक जैकेट लेके आए थे, मतलब एक एक हुड्डी लेके आए थे बस, मेरे को नहीं पता था भाई इतनी ठंड होगी यार यहाँ, तो हालत ख़राब हो गई भाई। गाइस अभी यार शिमला पहुंच गए थे, सैम भाई का वेट कर रहे थे, तो कैसे हो सैम भाई आप, बढ़िया, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस भाई, आज इनका बर्थडे है, फुल पावर धमाका होने वाला है शाम को, फुल पावर तरंग लग रही है, कैमरा कैमरा पिक नहीं कर रहा।
चिट्टे लग रहे हो आज बेरहमी भाई। हालत भाई हालत ओ भाई ओ भाई ये क्या कर रहा है भाई। इस गाड़ी का ना चलते चलते टायर ही निकल गया। ये क्या हो गया भैया भाई। ये कैसे हो गया भैया भाई। अब इसको लेके कैसे जाएंगे भाई 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 भाई, भाई ये कर क्या रहे हैं यार। ओ भाई ओ भाई रिम पे लेके जा रहे हैं इसको यार भाई। ये क्या बंदे है ये क्या बंदे है यार भाई। रिम पे लेके जा रहे हैं इसको। क्या देख रहे हो गए निशान पड़ गए टायर के। अरे रिम में ले जा रहा है यार इसको। हाँ जी नहीं नहीं भैया इसका ना एक्सीडेंट हुई होगी ये ना तो इसका क्या नाम बोलते हैं अभी टायर छूट गया यहाँ पे और रिम पे लेके गया बंदा। 2000 years later इस 12 बज गए हैं। हैप्पी बर्थडे सैम भाइयों। बॉनफायर चला हुआ है फुल पावर और यहाँ पे केक कुक लाया हुआ है फुल पावर। बस अब थोड़ी देर में सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे। सैम भाई कैसा लग रहा है। अरे बहुत अच्छा है। हैप्पी बर्थडे। ये कि अपने भाई लोग सबके सब साथ हैं भाई। देख रहे हो सारे भाई लोग यहाँ पे बैठे किनौर से फुल पावर और बॉनफायर चला हुआ है। जितने अपने बंदे जो बिल्कुल ही खास सारे बंदे सबसे बड़ी पावर मजा आ रहा है क्यों है नहीं बात भाई। शिमला में ऐसी जगह पहली बार देखी भाई। जब केक कट करते हैं यहाँ पे सैम ने की यार इसमें ना आंकड़ू वाली खाना था इसमें यार मनाली में हुआ था भाई और उसके बाद आज हो रहा है भाई। मजा आ रहा है फुल पावर। सारे बंदे यहाँ बैठे गिटार बजा रहे थे। इससे पहले फुल पावर गाने वगैरह चले हुए थे। उस टाइम मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि यार अपने सारे बंदे बैठे थे उस टाइम पे वाइब ले रहे थे। हैप्पी बर्थडे तेरे को यार। भाई बहुत टेस्टी केक है मेरी बारी है। और ये मूवमेंट लगाते पे आप जी खिलाएंगे। हैप्पी बर्थडे। भगवान आपको 100 साल की उम्र दे। 100 तो नीचे पर ऐसा कि इज्जत चाहिए लाइफ। भाई 100 साल की उम्र दे भाई अपने जितने भाई है भाई फुल पावर एंजॉय करे भाई अच्छे से लाइफ जियो। बाकी दोस्तों के साथ कभी गद्दारी मत करना यार। भाईचारा ऑन द टॉप।